बीती रात मऊगंज थाना क्षेत्र के पन्नी पथरिया के समीप सरहंगों द्वारा डस्टर कार सवार एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट की घटना शहर में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार देखने को मिल रही है। लुटेरों ने युवक से 1,20,000 रुपये और सोने की चेन कान की वाली लूट ली है। वहीं लूट की घटना के बाद युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाते हुए डायल 100 को इसकी सूचना दी। युवक ने घटना की शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं घटना में शिकार हुए सुभाष सिंह परिहार भवानी ट्रेवलर्स के मालिक हैं। बीती रात डस्टर गाड़ी से सुभाष सिंह परिहार मिर्जापुर ट्रक खरीदने जा रहे थे। मऊगंज से उन्हें अपने ड्राइवर को लेना था, लेकिन साजिश के तहत घात लगाए लुटेरों ने उन्हें पहले तो गाड़ी को रोका है, मारपीट की है और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद उन्हें जैसे तैसे पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां हालत गंभीर देखते हुए युवक को संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है, जिसके लिए कैश वाले 1,20,000 रुपये अपने साथ रखा था और ड्राइवर गरीब को ले रहा था बहुगंज पन्नी पथरी से। वो ड्राइवर लोग वहाँ बोले दादा आप आ जाइए, हम चलेंगे साथ में आपके। वहाँ पहुँचे तो ये लोग वहाँ पे पहले से ही लाल बना के बैठे हुए थे, मेरे पर लापरवाह कर दिए, टूट पड़े मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी चेन निकाल लिए, 1,20,000 रुपये मेरा छीन लिए। एक मेरी इस कार की वाली जोत लिए है, बाकी फिर मुझे गाड़ी में डाल के वो लोग कहीं पे हत्या करने के इरादे से ले जा रहे थे। तो ड्राइवर भी शामिल था जो बुलाए? हाँ वो भी शामिल था, संजय राव। क्या नाम है? संजय। कितने लोग थे उसमें? तकरीबन आधा दर्जन लोग। पहचानते हैं आप उनको? सब पहचानता हूँ। नाम एक का रिंकू है, एक का रावेंद्र है, रवि दो है, रवि राव को दो लड़के, रवि दूसरा राव के, सबका नाम मैं जानता हूँ। पहले भी कोई विवाद था आपका उनको? कोई विवाद नहीं, केवल ड्राइवर के लिए मैं उनको लेने गया था। आज सुबह मुझे मालूम पड़ा वही के लोगों ने बताया कि वो लोग पहले से ही लूटपाट करते हैं। हाँ मैं मेरी बात की वो पैसे से ड्राइवर है। आप कैसे बचे? जिस बुलेरो मुझे डाल कर लेके जा रहे थे, जब वो भाग रही थी जंगल की, वो मेरे को लेके जंगल की भाग रहे थे, मैं उस बुलेरो से फाटक खोल कूदा हूँ। अब कूदने के बाद मैं रहर रहर भागा हूँ, गड्ढा टाइप का था। तलवार लेके आए थे, तलवार से मारे रही है, तलवार के घट से मारे हैं, डंडा से अधिक मारे हैं, डंडा से लात से, तलवार के बस चमकाए हैं, डराए हैं, धमकाए हैं। अपने बाकी की आपके बिजनेस मैन है, मैं बसें चलते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, पर गया था इनके वहाँ जाना था। जब ड्राइवर वहाँ ले जा था इनको मऊगंज, ये तीन लोग गए थे यहाँ से और वहाँ पर पता चला कि मतलब ऐसा हुआ है, वहाँ ड्राइवर लेके गए और आगे जाके पन्नी में इनको अटैक किया गया, पन्नी के आसपास कहीं डस्टर गाड़ी थी और वहाँ पर इनको इतनी ज़्यादा मारपीट हुई। इनको रात में 1:30-1 बजे के लगभग वहाँ से फ़ोन आया पुलिस वाले के 100 नंबर से, सुभाष सिंह आप बैठे हैं कहीं जी, इनके साथ बड़ी पूरी तरह हालत गंभीर है, इनको हम यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मऊगंज में रखे हुए हैं और यहाँ से दिखवा करके फिर डॉक्टर साहब वहाँ देखे, उस बार रेफर कर दिए यहाँ रीवा के लिए। रीवा से वो एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लेके रीवा लाया गया। ये है कि मतलब उनके पूरा पैसा लागे लाख। साथ में कौन कौन गए थे घर से और कितना होगा? साथ में तो यही गए थे और पैसा ले गए थे लाख वाला, 1,50,000 का लगभग था। रात में 1:30 बजे रात कहाँ जा रहे थे? 1:30 बजे रात नहीं थे ये, 1:30 बजे हमको सूचना मिली, 1 बजे हमको लगभग सूचना मिली, कई लोग जाके जब वहीं रस्ते में इनके लूट हुई इनके साथ। तो अकेले गए थे? 2-3 लोग थे इनके साथ, कुछ ड्राइवर भी था कोई? कौन थे, नाम उनका क्या है? आप बता पाएंगे ठीक होने पर? मेरे को नहीं, किसी पर शंका है कुछ के लूट इरादे से या कोई दुश्मनी वजह से? अब तो हम तो चुकी पर थे नहीं और बता रहे 5-7 लोग अगर अटैक किए, मतलब अगर ये वहाँ छिपते ना तो वहाँ कोई टैंकर वगैरह क्या गाड़ी थी कोई वहाँ नीचे आपके जान बचाई, और फोन किया 100 नंबर वाले पहुँच गया बेचारे, बहुत बड़ी मदद की पुलिस, और पुलिस वाले लेके वहाँ आए सामुदायिक वहाँ से यहाँ के लिए रेफर किया और यहाँ रात में रेफर कर दिया। अभी क्या ये जानकारी आई है तस्दीक के थाने से, तो पता लगा है कि एक व्यक्ति ने खबर की थी 100 डायल को रात्रि में, ये पन्नी पथरिया जगह के आसपास, तो यहाँ से 100 डायल हमारी गई थी, 100 डायल में देखा कि व्यक्ति घायल अवस्था में था, उसको लाकर अस्पताल में एडमिट कराया, व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था, उसके बाद फिर डॉक्टर उसने उसको रेफ़र कर दिया संजय गांधी के लिए, तो हमारी 100 डायल उसको लेके
अजीम मैं चाहता उसको भर्ती करा दिया, साथ में पुलिस के अधिकारी आए तो उन्होंने पूछने का प्रयास किया तो युवक बता नहीं पा रहा था कुछ। उसके बाद भी अभी तक ये जानकारी नहीं कि उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या है। पुलिस के अधिकारियों को बता दिया है कि मामले की तस्दीक कर लें। मौके से करीब 200-300 मीटर पर उसकी गाड़ी भी है, गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है बता रहे हैं। वो गाड़ी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि लाने लायक हो। थाने के लोग बता रहे हैं कि वो गाड़ी में ऐसा लग रहा है किसी ने उसकी हवा निकाली हुई है, चारों पहियों की हवा निकाली है। तो मामला अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया, जब तक फरियादी पूरी तरह से घटना को बताएगा नहीं तब तक इस मामले को भी पुलिस ने संज्ञान में ले रखा है। फरियादी थोड़ा सा बोलने की स्थिति में हो जाए फिर उससे बात करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।